गुंडागर्दी की सरकार, पुलिस के कदम पे ये सरकार, तानाशाही की ये सरकार। मैडम, जो आज का ये कार्यक्रम है जंतर मंतर पे, इसका असल उद्देश्य क्या है? सीलिंग को लेके और GST की रोक को लेके और महिलाओं की सुरक्षा को लेके। तो आज जिस तरह से आपकी पार्टी ने लखनऊ में भी जो है विधान भवन का घेराव किया है, तो क्या वो ये उसी का हिस्सा है या सिर्फ आप सीलिंग पर ही आपका ये कार्यक्रम? नहीं जी, उसी का हिस्सा है। उसी का ही हिस्सा है। आज लखनऊ में भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव वो भी घेराव कर रहे हैं उधर, उनका भी धरना है वहाँ पे, और दिल्ली में भी उन्हीं के आदेश के अनुसार हम आज वो कर रहे हैं प्रदर्शन। तो आपकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगों को पूरा करें जी, और अगर वो आप सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो दिल्ली की बिगड़ती व्यवस्था को वो करें जी। अगर वो नहीं मानते तो हम रोड पे उतरेंगे तुम्हारे। नहीं, आपने किसी से बात करने की कोशिश की? हमने की है। आज ज्ञापन दिया जा रहा है, आज हम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से जा रहे हैं। जा रहा है, ज्ञापन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी सड़क पे उतर के आंदोलन करेगी। आपके ज्ञापन में किन पहलुओं को उजागर किया गया है, क्या क्या आपकी मांग? उसके प्रेस नोट हमने बनाया, वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप रुक जाओ। दिल्ली की बिगड़ती व्यवस्था, GST पे रोक, GST का फंदा, बढ़ती हुई महंगाई, सीलिंग की मांग और महिला की सुरक्षा, यही आपकी असल मांग है जी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आदित्य यादव जिंदाबाद, आदित्य यादव जिंदाबाद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय यादव जिंदाबाद। आप ये बताएं, जो आज का ये कार्यक्रम है जंतर मंतर पे, इसका असल उद्देश्य क्या है? इसका असल उद्देश्य ये है कि मोदी साहब, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये वायदा किया था पब्लिक से कि 15 लाख रुपए आएंगे, GST एक समान कर दी जाएगी और महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। आज इन सारे मुद्दों पर, सारे मुद्दों को एक तरफ हटा के सिर्फ गाय और गाय माता की बात होने लगी। इंसान का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, इंसान की कोई वैल्यू नहीं रही। एक गाय मर जाती है तो लोग हिंसा पुतारू हो जाते हैं, और जहां एक बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो जाता है। आज का जो आज की आपकी रैली है यहां पे जंतर मंतर, ये तो सीलिंग को लेकर के, तो सीलिंग अगर नहीं रोकती है सरकार तो उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? अगर सीलिंग ये गवर्नमेंट नहीं रोकती, केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र के अधीन, केंद्र कहती है कि स्टेट के अधीन, ये दोनों लोग जनूरा कुश्ती खेल रहे हैं। हम इन दोनों का राजपास करेंगे, और अभी ये छोटा सा प्रोग्राम किया है। आने वाले समय में अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो प्रगतिशील समाजवादी के लाखों कार्यकर्ता दिल्ली के सड़कों पर उतरेंगे, राष्ट्रपति भवन जाएंगे, प्रधानमंत्री ऑफिस को घेरेंगे, और प्लस दिल्ली गवर्नमेंट के CM केजरीवाल जी के ऑफिस में जाएंगे, इनका सारा काम धाम बंद करके, और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जिस तरह से अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि सीलिंग को लेकर दिल्ली के लोग परेशान हैं, इस पर आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर जमा हुए, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो ये आंदोलन कहाँ तक बढ़ेगा आपका? देखिए, जनता के बीच में जाकर हम जनता से जन समर्थन लेकर और इस आंदोलन को सड़कों पर लेकर उतरेंगे, माइक आईडी ऊपर करें ना, और कोशिश करेंगे कि जनता को न्याय मिले और सीलिंग के खिलाफ पाबंदी हो।